ओम शांति। आज है 4 जून 2021 की साकार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में कोई बहुत अच्छा या लायक होता है तो कहा जाता है ना कि इनको सिखाने वाला व इनको बनाने वाला कौन है, इनके पीछे किन का हाथ है व इनको शिक्षा देने वाला कौन है। तो बाबा ने आज ऐसा लायक बनने का आधार बताया कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर हैं। उन दोनों की मत पर चलकर ही अपना कल्याण होना है। आज बाबा ने नंबर 1 ट्रस्टी कौन है उसकी निशानी व विशेषता बताई कि वह बिल्कुल अनासक्त होंगे। उनका कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं होगी। वह सदा अनासक्त होंगे और वह अपना सब कुछ, तन मन धन सब बाबा के आगे इंश्योर कर देंगे। उनको कहा जाता है ट्रस्टी। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मुरली की शुरुआत कैसे हुई। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा रोज ब्रह्मा बाबा के द्वारा सवेरे 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखवाते थे, फिर उसको सब जगह कॉपी करके भेजते थे। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर हैं। तुम्हें उन दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे। तो बाबा ने उत्तर दिया, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं, मैं तो खुद सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। आज मुरली में गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला है, बाबा बोले, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट हैं, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी चीज जितना अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे, तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।